हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और मैं अभी घर पे हूँ और घर पे आके मुझे ना चैन की सांस मिली है। 6-7 दिन का टूर था हमारा। गए थे पहले हम हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश, उत्तरकाशी होते हुए हरसिल होते हुए फिर पहुँचे हम गंगोत्री। गंगोत्री जाकर मैं और अविन दोनों ही बीमार हो गए, इसलिए हमें ट्रिप को अधूरा छोड़कर घर पे वापस आना पड़ा। नहीं तो हमारा 2-3 जगह जाने का प्लान और था। हमारा प्लान था हरसिल से, जब वापसी आ रहे थे हम तो देहरादून, मैसूर और एक दो जगह और थी, वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन सब कैंसिल। भाभी हेलो बोले हम ऐसे बोले हेलो गाइस, ये हंस रही है वैसे करवा लो हेलो गाइस खत्ता सही नहीं अरे तो हंस हेलो गाइस ना बोले ऐ भावित बेकार है पैसा भाई ना आज सुबह हम एक दावत में गए थे, वहाँ खाना खा के आ कर के फिर मैं सो गया, क्योंकि अभी ट्रिप करके आए हैं तो नींद की पूर्ति नहीं हुई, तो आज पूरे दिन में सोया। और अभी 3 बजे नींद खुली, उसके बाद फिर वीडियो एडिट कर रहा था। वीडियो एडिट करते करते बाहर निकला तो यहाँ पर चल रही थी तैयारियाँ, इधर पीछे चाची और दीदी चौका लगा रही हैं और इधर भाभी जो है हेलो गाइस नहीं बोलती, बस बोर्ड में लगाने को जा रही है। हंसी बहुत ज्यादा आती है भाभी। अब हेलो गाइस हेलो गाइस ऐसा ही बोल हमसे हेलो हेलो गाइस हेलो गाइस बस बोले ना एक बार तो फिर कहा बोले भाभी बोले कहा बा बोल दे हमें ले बोले हम कुछ कछु बोल जा जे तो बोले ही ना कछु तो बोलते होगो अब कौन सा गाया हैं भज्जा नहीं आई में तो यहाँ पर चौका लग चुका है, काम कंप्लीट हो गया है। पहले वहाँ पर इधर कॉर्नर में मिट्टी पड़ी थी काफ़ी ऊंची और ये जो पेड़ हैं इनके गड्ढे भी काफ़ी बड़े बड़े थे, तो गड्ढों में मिट्टी भर दी है तो एकदम बढ़िया हो गए हैं। और यहाँ से पूरा सामान हटा दिया तो साफ़ हो गया एकदम। तो कल हम हवन करवाएंगे। हवन हम इसलिए करवाएंगे, लास्ट हम जनवरी में जब गए थे प्रयागराज तो वहाँ से हम संगम में से एक गंगा जल भर के लाए थे। वहाँ में उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का पानी था, तो उस इसी को भी हम खुलवाएंगे कल। और क्योंकि कल है सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या का जो योग है वो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार होता है। तो वैसे मम्मी कोई सी भी अमावस्या को खुलवा सकें या फिर सोमवती अमावस्या ठीक है? तो बात कुछ ऐसी है, जब भी हम गंगा जल लेके आते हैं, गंगा जल हो या फिर संगम का पानी हो, संगम में तीनों नदियों का पानी होता है, तो जब उसको हम घर पे ले आते हैं तो उसके बाद जो है सोमवती मावस को नहीं निकालते हैं कि सीसी रखी है घर पे और सोमवती मावस भी निकल जाए। सोमवती मावस के दिन तो उसको अवश्य खुलवाना ही पड़ता है, इसलिए कल खुलवाएंगे। उसी की तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ पर चौका दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है हवन करवाने की, ये जो प्लॉट है जहाँ पर अभी हम हैं, इसको हमने लॉकडाउन के दौरान लिया था, करीब मई में लिया था, पिछले वर्ष मई या जून के महीने में लिया था। तो तब से हमने यहाँ पे हवन भी नहीं करवाया है। हम यहाँ पर रहते हैं वैसे, भैंस वैंस बांधते हैं और सो भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे खाना नहीं बनाते। किसी भी जगह को हम खरीदते हैं तो उस जगह पर तब तक खाना नहीं बना सकते, तब तक वहाँ पर हवन नहीं होता है। तो यहाँ पर कल हवन हो जाएगा तो यहाँ पर हम खाना पीना भी बना सकते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं है।
रहन तो दूर पहुंचा लाला या को लगो चौका गोल तो अपना लगो चौका यहाँ तक तेरे बॉल पहुंची ना यार जोर तो करा बॉल गोलू जोर तो करा ए तेन तो मूड पे फेंक दई अब तो मैं कह रहा हूँ तू चालू करो आ जाओ तू जो करनी जाओ पड़ती मम्मी ने पहले बड़ो काट दियो नहीं तो सही है ना पर वे बाजार में ऐसे ना काटे भैया कैसे काटे तो ये पूरे ना काट के बना रहे बाजार तो नहीं घर को है तो तू तो ऐसे कह रहा मम्मी यहाँ नहीं कह रही तेरी के बाजार की तरह काट के बता अब तेने तो अपने दिमाग की तरह काटे वो बाजार की तरह ने थोड़ी काटे तो हम तो हमारे दिमाग के काम करेंगे आओ फिर बन ये अब इन फाका ने ऐसे काट दीजिए आपको खबक जो निकाल तो बताया तो हम तो सब काम निकल रहे अभी शाम के 6 बजे हैं और हम जा रहे हैं कस्टमर मुझे कुछ सब्जी लानी है घर का सामान और भाभी ने बताया था भाभी के लिए भी कुछ सब्जी लेकर आनी है और नरेश ये अभी बाइक चलाना सीख रहा है तो ये कह रहा चाचा मुझे चला रहे दो थोड़ी सी हैबिट हो जाए हमने कहा तुम आराम से चला लो आगे हम पीछे वीडियो बना लेते हैं ये एकदम ऐसे चला रहा है बाइक बिल्कुल इसका ध्यान जो है ना बाइक पे है इधर उधर नहीं देख सकता और मेरा सबसे जरूरी काम है पंडित जी को इनवाइट करना तो बताना है कि सुबह 7 बजे रेडी हो जाए जिससे कि मैं कल सुबह वैसे टाइमिंग 8 बजे का लेकिन 7 बजे की कहनी पड़ेगी तब जाकर ही 8 बजे तक तैयार हो पाएंगे पंडित जी तो उनको क्या कहना रेडी होने के लिए सुबह आना है एक बार और पंडित जी को लेके जाना है हवन करवा के फिर वापस से पंडित जी को छोड़ने आना पड़ेगा बाजार में ले चले वो का ले चलोगे ना तो रोक लीजिए साइड में ही नहीं लगा था साइड में नहीं लगा था साइड में नहीं मेरे जाऊँ यहाँ पे